This is how the bike looks after installing the bar and mirrors. हाय गाइस, मैंने ये प्रोडक्ट बैंडिडोस पिट स्टॉप से ऑर्डर किया है। इसका कॉस्ट 650 रुपीज़ है। ये जीटी बार एंड राउंड मिरर्स के नाम से आपको उनकी वेबसाइट में अवेलेबल मिल जाएंगे। प्लीज़ पार्डन मी, मुझे अनबॉक्सिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, अपने प्राइस का बिल्कुल वर्थ इट लगा। ये प्रोडक्ट मैट फिनिश में है, काफ़ी स्टर्डी है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल मिरर, इसका साइज थोड़ा स्मॉल है। ये फिटिंग्स हैं जो इसके साथ आई थी बार एंड की, और आपको इसके अलावा कोई भी एडिशनल फिटिंग नहीं लगेगी। इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक एलन की रिक्वायर्ड है जो कि आरी की टूल किट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट फिटिंग जो इंस्टॉलेशन में है वो ये कॉइन है। आई डोंट नो द टेक्निकल नेम। आप अपना बार एंड ओपन करें, सबसे पहले ये फिटिंग को इंस्टॉल करें, उसके बाद अपना बार एंड मिरर उसमें लगाएं और फिर बार एंड्स को टाइट कर दें। अगर आप ये नहीं यूज़ करते हैं तो क्या होगा, आपका थ्रॉटल हार्ड हो जाएगा, जो एक्सीलेटर है वो एक ही जगह टाइट होकर फंस जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द लुक्स एंड प्लेसमेंट, इसकी प्लेसमेंट बहुत ही नीट है, बहुत ही क्लीन है, विजन बहुत अच्छा हो गया है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। आप अगर आरी के स्टॉक मिरर्स देखें तो वो बहुत ही लेंदी हैं, उनका जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ऑकवर्ड है, अनटाइडी है, वो वियर्डली शेक करते हैं, विजन ब्लॉक करते हैं, कहीं ना कहीं एक इरिटेशन होती है उनको देख के। इसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही नीट है। सेकेंड, ये लुक्स में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस मुझे एक छोटी सी कंप्लेन है, वो ये है कि ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं। अगर ये थोड़े बड़े होते तो विजन बहुत बेटर होता, बट फिर भी अगर स्टॉक मिरर से कंपेयर करूं तो इसका विजन फिर भी अच्छा है। मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा, वो ये है कि कंपनी भी टूरिंग मिरर्स भी प्रोवाइड करती है और बार एंड मिरर भी प्रोवाइड करती है। दोनों का कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज़ है। अगर आपका बजट उतना है तो आप प्लीज़ उसको ऑप्ट करिए। उसका फिट एंड फिनिश बेटर है, उसकी क्वालिटी इससे बेटर है, प्लस उनका साइज इससे बेटर है। बट अगर आपका बजट उतना नहीं है, इसका कॉस्ट 650 रुपीज़ है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप ओवल शेप अगर प्रीफर करते हैं तो आप उसको ऑप्ट करिए। माइट भी आपका जो विजन है वो थोड़ा इससे बेटर हो, बट पर्सनली मुझे वो शेप पसंद नहीं है, तो मैंने इसीलिए राउंड मिरर्स ऑप्ट किए हैं। एक और इशू जो मुझे स्टॉक मिरर्स के साथ था वो था एडजस्टमेंट का। मैंने उसको रिप्लेस भी करवाया था, उसके बावजूद मैं प्रॉपरली उसको एडजस्ट करने की जितना भी ट्राई करता था वो स्टक हो जाता था और उसको ईजिली मूव नहीं कर पाता था। तो ये मिरर्स जो हैं उससे बहुत कन्वीनियंट है, आप इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। उसका क्लिप मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ। वाइब्रेशन की बात करूं तो इस बार एंड मिरर में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। मैंने इंटेंशनली बाइक को हायर आरपीएम में लेके गया, एक्सीलरेट किया, काफ़ी एक्सीलरेट किया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि ये वाइब्रेट करें, बट ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन बार एंड मिरर्स का।